अब वो भैया खुद ही आ गए वहां से, उनको दिक्कत। गोविंद डंडा खींच लो पूरा, अभी खींच लो क्या, खींच लो खींच लो, दिक्कत हो जा रही है। हाँ भैया देख, वो देख पकड़ लिया। बता दोस्तों, सांप दिख चुका है। हाँ और मोबाइल बताना, मोबाइल दोस्तों वाटर स्नेक है और ये बिन विषैला सांप है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बैठा हुआ है। इसे हम चिकट किलबेक के नाम से भी जानते हैं और घुड़िया सांप और पानी वाले सांप के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ टाके में, यहाँ पर मिस्त्री साहब इस टाके को साफ कर रहे थे, टाका गंदा था इसलिए, और वो यहाँ सांप को देखने पर घबरा कर भागे और गुंदरी मार को। आइए दोस्तों रेस्क्यू करते हैं। हाँ यहाँ पर खड़े आप दिख रहा हूँ, पड़ जा बेटा, गुंडरी मार का है कि ले लेट पकड़। भैया तुम ना भाग रहे तो डरो मत ना, वो भैया अंदर, उनको डर नहीं लग रहा, तुम डर लग रहा है। भैया थोड़ी ईटा खरीद दीजिए यार, एक बार देख ले। हां सब चला गया भाई, दो खाता है, उनको डंडा खींच ले, वो उनके हिसाब से निकाल, उनको मत बोलो। बढ़ जा, वांग छोड़ लिया था ना उसने। भैया उसको तो कहीं दूर ले जा लेना, मुंडी पकड़ भैया, मुंडी अरे तो उसमें खाली था वो इतने दिन से, तो उसमें को क्या लगा, ढक्कन ऐसा पैक वाला तो है नहीं। दोस्तों ये वाटर स्नेक है जो कि बहुत ही खतरनाक सांप होता है, बिजली की रफ्तार से बाइट करता है दोस्तों। इसका काटना एक स्वभाव है और दोस्तों इसकी काचोरी निकल रही है, जिसे केचुअल के भी नाम से जानते हैं कुछ लोग। ये देखिए ये काचोरी निकल रही थी, हर सांप काचोरी निकालता है। और ये भी, ये सांप जो है दोस्तों कोबरा की नकल करता है, ये पानी वाला सांप है, नॉन वेनमस स्नेक है, किसी प्रकार से जहरीला नहीं होता, मगर मेंढक खाने में माहिर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए कोई भी सांप हो, सांप से दूरी बनाए रखिए और सांप की जानकारी ना हो तो बिल्कुल दूर रहिए, और अपने क्षेत्र के किसी भी रेस्क्यूअर को बुलाकर सांपों का रेस्क्यू करवाइए और सांपों की जान बचाइए, क्योंकि दोस्तों सांप भी पर्यावरण का एक हिस्सा है, जो कि पर्यावरण में होना बहुत महत्वपूर्ण है इन चीज़ों का। इन्हीं के ऊपर पर्यावरण हमारा डिसाइड होता है। और चलिए दोस्तों इसे पैक करते हैं। हाँ, वहाँ फोन कर देते हैं, घटना जा जाए।
दोस्तों वाटर स्नेक है जो कि जिसका हम रेस्क्यू कर चुके हैं और इसे पर्यावरण में छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसे सांप को मारे नहीं, अगर आपके घर में या कहीं भी आस पड़ोस कहीं सांप दिखता है और आपको इन सांपों से अगर कहीं डर है तो बिल्कुल रेस्क्यूअर को बुला के इसका रेस्क्यू करवाइए, क्योंकि सांप का होना पर्यावरण में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर हमारा कार्य अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।